हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्रेंड्स, इस समय देख रहे हैं सब खुशी रहो, वट ब्रिज के पेड़ के पूजा होने वाला है। सभी लोग यहां पूजा के लिए आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, यहां पे स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग अभी पूजा शुरू करने वाले हैं और यहां पे अभी पूजा शुरू होने वाला है और हम इनको दे देते हैं प्रसाद। हाँ, अभी प्रसाद चढ़ेगा भगवान का। सबसे पहले तो भगवान की भोग लगेगी, प्रसाद लगेगी। यहाँ वट ब्रिज का पेड़ है जिसका पूजा किया जाता है, क्योंकि सत्यवान के लिए सावित्री ने ये पूजा बट का चला वहां का पेड़ है ना, इसमें देख सकते। सभी स्त्रियां करती हैं अपने सुहाग के रक्षा के लिए, पति के लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, क्योंकि सावित्री ने अपने पति को लंबी उम्र बढ़ा ली थी। यमराज जैसे उनको प्राण लेने के लिए आ गए, उनके पीछे करते करते उन्होंने अपने पति का प्राण वापस ले लिए और सुहागन रही, तो इसीलिए यह व्रत किया था अखंड सौभाग्य के लिए, पति के लंबी उम्र के लिए। पति के ऊपर कोई संकट नहीं आया, सभी संकट को स्त्रियां यह व्रत करके टाल देती हैं। तो यहाँ पे अब हम व्रत का पूजा कैसे शुरू होगा हम वह बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर बड़ के पेड़ के पूजा किया जाता है। बड़ के पेड़ में आपको भी पता होगा हमारे देवों के देव महादेव स्वयं शंभू हैं और वो निवास करते हैं। यहाँ देवों के देव महादेव का पूजा होता है। यहाँ देख सकते हैं इसमें जटाओं कितना होता है, लताओं से फैले होते हैं और इसमें हमारे देवों के देव महादेव का स्वयं निवास है। वैसे भी आप चाहें तो हर दिन बड़ के पेड़ में जल चढ़ाने से बहुत अच्छा होता है, महादेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें देवों के देव महादेव का निवास है। घर के आगे यदि बड़ का पेड़ है तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पे सभी स्त्रियाँ देख सकते हैं पूजा शुरू कर दिए हैं। पूजा में सभी तरह का श्रृंगार का सामान होता है, मिठाई होता है, पूरी पकवान होता है, हर तरह का, जैसे जौ, तिल, जल। सबसे पहले पूजा जब करते हैं तो यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है और बर के साथ पत्ता यहाँ नीचे में रखा जाता है और सभी तरह के यहाँ पंचोपचार से पूजा किया जाता है। और इस तरह से पूजा करने के बाद देख सकते हैं पेड़ को प्रणाम किया जाता है, गला मिला जाता है और पेड़ में बड़ का पेड़ को पंखा होंका जाता है, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव हैं, उनको पंखा होंका जाता है, हमारे देव प्रसन्न हो जाते हैं। यही पंखा स्त्रियां अपने पति को जाकर के फिर पंखा होंकती है, पति को भी इसी पंखा से। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा किया गया, आपने देख लिए। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ भगवान के पूजा करके क्षमा प्रार्थना लास्ट में हम जरूर करते हैं। कोई भी पूजा आप जब करते हैं तो क्षमा प्रार्थना आपको जरूर करना चाहिए। और यहाँ पंचोपचार से पूजा किया गया भगवान के, बहुत तरह के फल से, सभी तरह के फल भगवान को प्रसाद चढ़ाया गया, भोग लगाया गया और सभी लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके लास्ट में मैं बता दूँ कि पेड़ में कच्चे धागा जरूर लिपटा जाता है। बड़ के पेड़ है या पूजा जो किया जाता है बड़ के पेड़ में, आपको मैं बताई बट वृक्ष भी इसको बोलते हैं। और यह भी बताई कि इससे, इसके पूजा करने से देवों के देव हमारे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लेडीज कच्चा धागा का नियम है, उसका भी कुछ नियम है कि वो 7 बार ही इसमें लपेटेंगे पेड़ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ में बहुत ज़्यादा मोटा कच्चा धागा लिपटा हुआ है और 7 बार हमने भी लपेटे हैं। मैं तो हालांकि फास्टिंग इसका नहीं करती हूँ, पहले की थी, 1-2 साल की थी, पर इस समय आज पूजा ही की हूँ, फास्टिंग व्रत नहीं रखती। तो इसको 7 बार लपेटना है पेड़ में, तो 7 बार इस तरह से देख सकते हैं कि कच्चे धागा लेकर के पेड़ में सभी लेडीज इसको 7 बार लपेटते हैं। और धागा का नियम है कि तोड़ना नहीं चाहिए, जो धागा आपके पास बचा पूरे आपको लगाइए, उसके बाद लास्ट में आप पेड़ में गले इस तरह से मिलते हैं। और इस पेड़ का बट वृक्ष का पूजा आप जब करते हैं तो देवों के देव हमारे महादेव प्रसन्न होते हैं। तो पूरा विधि विधान के साथ इस पेड़ का पूजा किया जाता है। पूजा जब भी आप करते हैं तो क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें,
कपूर से आरती करें। तो यहाँ दीपक प्रज्वलित पेड़ों के नीचे सभी लोग करते हैं, सभी अलग अलग तरीक़ा से यहाँ पर पूजा करते हैं। और कई जगह पे अलग अलग तरीक़ा से होता है, जैसे हमारे करने का कुछ नियम अलग होते हैं, जैसे यूपी बिहार में ये ज़्यादा किया जाता है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे यूपी के हैं तो उनका कुछ सामान एक्स्ट्रा अलग होता है, हमारा कुछ सामान अलग होता है। तो सभी लोग यूपी बिहार के लोग यहाँ पे ज़्यादा पूजा करते हैं। पूजा के लास्ट में सब लोग यहाँ भगवान के जो प्रसाद भोग लगा है वही प्रसाद यहाँ पे बांटा भी जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसी तरह से भगवान के आपने देखा कि पेड़ में चुंदरी भी कोई लोग चढ़ाए हैं, कोई लोग इसमें फूल का माला होता है वो भी चढ़ाते हैं, सभी लोग अपना पूजा इस तरह से करते हैं। और यहाँ इस समय गर्मी था तो सुबह 8 बजे से ही पूजा शुरू हो गई थी और हम लोग 11 बजे आए थे, तो गर्मी की वजह से लोग जल्दी कर रहे थे, सभी औरतें यहाँ पे लेडीज जो हैं यह पूजा जल्दी कर रहे हैं कि ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो फिर ज़्यादा गर्मी लगेगा ना, इसलिए जल्दी पूजा करके समाप्त कर लेंगे। एक से 1.5 घंटा में यह पूजा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं पेड़ों के नीचे यहाँ पे ढेरों सामान है और सब लोग का पूजा भी यहाँ समाप्त होने वाला है। और फ्रेंड्स हमें जो फ्रेंड्स आवाज़ दिया गया है वो वॉइस रिकॉर्ड दिया गया है, जो आवाज़ रोड के किनारे की वजह से ख़राब हो गई थी। शॉर्ट में यह कथा आपको बताना चाहूँगी कि सावित्री ने सत्यवान के लिए सबसे पहले यह व्रत की थी। उनको 1 साल पहले पता चल गया कि उनका पति का मृत्यु हो जाएगा, नहीं बचेंगे, और यह बात किसी को नहीं बताई थी। मन में भगवान को खूब ध्यान करती थी, खूब पूजा करती थी। जब 3 दिन बचा, शेष 3 दिन ही बचा था कि उनको पति 3 दिन के बाद मर जाएंगे, तो वह पूरा खाना बंद कर दी और बिल्कुल भगवान के ध्यान में रहती थी, यह व्रत की थी। और यही वट वृक्ष के नीचे उनका पति का मृत्यु हो गया। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज समझाए कि यह तो विधि का विधान है, यहाँ जो मृत्यु लोक में आए हैं उनको जाना ही पड़ेगा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, यमराज मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरे पति को आप जहाँ जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ वहाँ जाऊँगी, पर वापस नहीं जाने वाली। इससे यमराज प्रसन्न हो गया और बोले, आप पहला वरदान हमसे मांग लो। तो उन्होंने बोले कि मेरे सास ससुर, सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का आँख का रोशनी आ जाए, वो अंधे हैं। तो यमराज बोले, वैसा ही होगा, उनकी आँखों की रोशनी आ जाएगा। फिर यमराज चलने लगे उनके पति के प्राण लेकर के, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज बोले, आप दूसरा वरदान मांग लो सावित्री, हम तुमसे प्रसन्न हैं, लेकिन वापस चले जाओ। फिर सावित्री बोली, मेरे सास ससुर से के हाथ से जो राज चला गया है वापस राज मिल जाए। उसके बाद सावित्री ने यमराज बोले, ठीक है, आपको यह वरदान भी मिल गया, अब तो वापस चले जाओ। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी कि नहीं, मेरे पति को आप जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ वहाँ जाएंगे। फिर तो बोली कि फिर तीसरा वरदान आप मांग लो, हम प्रसन्न है, यमराज बोले। तो उन्होंने बोले कि मुझे 100 पुत्र हो और मेरा सुहाग अखंड रहे, कभी न मेरा पति कभी न मरे, वह भी वरदान दे दिए। तब सावित्री ने बोली, महाराज यमराज आप तो मेरे पति को लेके जा रहे हैं, अखंड सौभाग्य की, अखंड सुहाग की आपने वरदान दिए हैं और 100 पुत्र के भी वरदान आपने दे दिया, क्योंकि मेरे पुत्र तो होंगे कैसे, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ। तब यमराज ने उनके पति को प्राण वापस लौटा दिए और प्रार्थना की, प्रणाम की सावित्री ने यमराज को, और उनका पति के साथ सुख भोग करके अच्छे से रहने लगी, संतान भी हुआ, उनका पति का मृत्यु फिर कभी नहीं हुआ। तो यह व्रत में यही सबसे पहले सावित्री ने की थी, पति के लंबा उम्र होता है, पति पर कभी कोई संकट नहीं आता है, पति का हमेशा सुहागिन स्त्रियां इसलिए करती हैं, उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। जैसे ही पूजा वृक्ष का समाप्त हो गया है, अब सभी लोग मंदिर में आ गए हैं और मंदिर में यहाँ हमारे देवों के देव महादेव हैं। यहाँ देख सकते हैं रुद्राक्ष के माला पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः तुभ्यम कहने से हमारे देवों के देव महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ जाप भी कर रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ दीपक की आरती कर रहे हैं। यहाँ पे एक शिव भक्त हैं, उनका दीपक आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, आटा का दीपक इतना सुंदर बना के महादेव को घी का दिया जाए, इतना अच्छा लग रहा था। ये महादेव के भक्त हैं।
यहाँ सभी लोग भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लास्ट में क्षमा याचना जरूर करते हैं, क्षमा प्रार्थना जरूर करते हैं। यहाँ गणेश जी के आप देख रहे हैं, और यहाँ मंदिर में सभी भगवान को मैं आपको दर्शन करवा दूँ। यहाँ विष्णु भगवान हैं और लक्ष्मी जी हैं, गायत्री माता भी हैं। तो इनके दर्शन करने के बाद मैं आपको आगे ले चलती हूँ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी माता है, उनको मैं प्रणाम कर रही हूँ। संसार में सभी को सुखी करें, हमें भी सुखी करें। महा दुर्गा जी हैं, माता रानी है। जय माता दी, आपको लोग कमेंट में फ्रेंड्स जरूर लिखें। कृष्ण राधे थे, और यहाँ पे हमारे देवों के देव महादेव हैं, और यहाँ यहाँ हनुमान लला है, और यहाँ संतोषी माता है। तो सभी भगवान के आप दर्शन कर लिए, हमारे देवों के देव महादेव के मैंने पहले ही दर्शन कराई। यहाँ पूरे दिन प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, पूजा चलते रहेगा मंदिर में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर करें। तो बट सावित्री पूजा कैसे किया जाता है, मैं पूरे वीडियो में फ्रेंड्स यही भी दिखाई। और यहाँ पे हम लोग का महादेव का पूजा करने के बाद मंदिर में जब पूजा करते हैं, तो घर जाके सभी जो सुहागन है या व्रत जो किए हैं, कोई फल खाएंगे, कोई इसमें खीर भी बना के खाते हैं, अलग अलग तरीका से अपना पूरे दिन, लेकिन फलाहार उपवास करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ।